सब व्यूअर्स, मैंने आज बनाए हैं मूली वाले पराठे और साथ में दो कप चाय। तो इधर डालो उसको, जल जाएगा। ओ, वो, 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 पहले उठाओ इसे। तो और उठे ही रहे तो कोशिश करो, कोशिश करो। इसको उठा दो, इसमें डाल लेते हैं। अच्छा लग चाय। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे, सेहत दे और सब की दिली मुरादें पूरी करे, आमीन सुम आमीन। तो गाइस रात ही मैंने डिसाइड कर लिया था, बल्कि पक्का फैसला कर लिया था कि आज मैंने ना सुबह से डाइटिंग स्टार्ट कर देनी है और हर कोशिश करनी है जिससे मेरा वेट कम हो सके। तो मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले तो मैं अपने एग्स बनाने लगी हूँ दो, जो कि ऑयल फ्री हैं। ऑयल फ्री इसलिए कि मैं इसको आज पानी में बनाने लगी हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। पानी बॉईल हुआ है तो मैंने एग्स उसमें डाल दिए और थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट भी करना चाह रही थी। मैंने कहीं देखा था पानी में एग्स बनाने के लिए, तो मैंने सोचा एक तो ऑयल फ्री भी हो जाएंगे, दूसरा मुझे भी फ्राई पसंद है लेकिन ऑयल फ्री भी होने चाहिए। तो मैंने सोचा कि पानी में फ्राई करने की कोशिश करते हैं। सो ये देखिए मैंने डाल दिए, तकरीबन 3 मिनट बाद मैं इसको देखूँगी क्योंकि आँच बहुत स्लो रखी हुई है। ये देखिए पानी है ना, बाद में कह देंगे ऑयल में नज़र आ रहे हैं। ये देखिए जी तकरीबन 3 मिनट बाद मैंने इसको निकाल लिया है। ये थोड़ा सा नीचे फोल्ड हो गया है पानी की वजह से घूम रहा है। अच्छा ये मछलियां पकड़ना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये कोशिश करती हूँ जितनी मछलियां पकड़ी गई। तो गाइस मुझे लग रहा है ये अब वेस्ट ही जाएगा क्योंकि वो पकड़ी नहीं जा रही, या तो स्ट्रेनर से पकड़ी जाए या फिर रहने दी जाए। तो ये जी हमारा मेरा ख़ास तौर पर ब्रेकफास्ट एग्स वाला रेडी हो गया। मैं आज यही खाऊंगी और साथ एक कप कॉफ़ी बना लूंगी या चीनी के बगैर चाय। आज स्ट्राइक थी और बच्चों को छुट्टी थी स्कूल से, तो मैंने पूछा आप लोगों ने क्या खाना है, तो ये लस्सी का बोल रहे थे 10-11 बजे। मैंने अब लस्सी बना ली है, तो साथ ही मैंने पूछ लिया कि दोपहर में क्या खाना है, तो ये कह रहे थे हमने मूली वाले पराठे खाने हैं, तो वो भी आज बनेंगे और मारुशे से ही बनवाने हैं मैंने, यानी कि उसको सिखाना है साथ साथ। तो ये हमारी लस्सी हो गई है रेडी। मेरा ब्रेकफास्ट वो पड़ा हुआ, आज मैंने अपना दिल बड़ा करके ना तो बस एग्स ही खाने हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इन टाइम आपको मिलते रहे। तब हम चलते हैं छत पर। नाश्ते के बाद मैं छत पे आ गई थी, बल्कि लस्सी लेकर ही मैं ऊपर आ गई थी, सुहान क्योंकि लस्सी भी ऊपर भाग गया था और मुझे उसका पीछा करना होता है, उसको देखना होता है वो क्या कर रहा है। तो पौधे मैंने चेक किए, इनमें पानी बराबर है, यानी कि पानी नहीं डालने की ज़रूरत, तो मैंने इसको आज पानी नहीं देना। और वो सुभान मेरे मुझे देख के खड़ा हो गया, मुझे देख के खड़ा हो गया इसलिए कि पता नहीं इसने करना क्या था, कटिंग वगैरह का कुछ हिसाब लगा रहा है और इसको इतना मना करती हूँ ना। हेलो व्यूअर्स, आज हम लोगों ने पराठे बनाए, मैंने आज बनाए हैं मूली वाले पराठे और साथ में 2 कप चाय। तो इधर डालो उसको, जल जाएगा। ओ, वो, 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 पहले उठाओ इसे। तो और उठे ही रहे तो कोशिश करो, कोशिश करो। इसको उठा दो, इसमें डाल लेते हैं। अच्छा लग चाय। तो अब मारुषे ने चाय पराठा जला दिया। ये छोटा कप मेरा है और ये बड़ी छोटी है, इसका कप बड़ा है। नीचे करो, थोड़ा नीचे करो आंटी। खाना देसी स्टाइल है। अब ट्रे में रखें इस कप को। एक मिनट चाय है अभी इसमें, इधर ही रही। दो
चीज पर। चलो शाबाश, ये है हमारा खाना, मैं चलती हूँ। आजा आजा, बाय बाय। तो व्यूवर्स, इधर पहले मैं प्रेपरेशन कर लेती हूँ मूली वाले पराठे की और सारा कुछ बनाने की। तो मुझे इतना शौक़ नहीं कि मारुशे कुकिंग सीखे, लेकिन इसके बाबा को बहुत विश है कि मारुशे को सारी कुकिंग आनी चाहिए और अभी से स्टार्ट कर दे। तो फिर मैं इसको कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ, जिस दिन छुट्टी हो उससे बनवा लेती हूँ। तो आज भी इसको छुट्टी थी, मैंने सोचा कि सारा कुछ इसे तैयार करके साथ साथ इसे करवाती हूँ। अगर सारा कुछ इसे खुद करना पड़ जाए ना तो ये भाग जाती है, इसलिए फिर मैं पहले काफ़ी कुछ मैं खुद कर देती हूँ, फिर हल्का फुल्का ये साथ साथ कर देती है। तो इस तरह से इसे क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा थोड़ा, तो कुछ इंटरेस्ट भी पैदा होगा। तो कुकिंग तो करनी पड़ती ही है लड़कियों को, चाहे जितना मर्जी वो पढ़ी लिखी हो जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो अपने लिए कुकिंग उनको करनी ही पड़ती है थोड़ी थोड़ी। बंदा बाजार से भी इतनी बार ऑर्डर नहीं कर सकता और फिर भी दिल करता है कहीं कुछ बनाए खुद से या फ्रेश खाए, तो कुकिंग तो करनी ही पड़ती है लेडीज़ को, चाहे जितना मर्जी वो पढ़ी लिखी हो जाए या वर्किंग वूमेन हो जाए ना, फिर भी उन्हें करना ही पड़ता है। तो व्यूअर्स, हम अब मूली के पराठे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे सॉल्ट। ये सब क्या हो रहा है, टूट गया, हाफ चम्मच डालना। ओके, है ना, हाँ इतना काफी है। हिला के डालो, हिला के। चलो अब इसको मिक्स कर दो हाथ की मदद से। इसको मिक्स करते हैं। अरे अल्लाह, बस अजी मिक्स करके रख दो। ये देखिए जी, बालकनी पे चिड़ियाँ आ चुकी हैं दाना खाने के लिए। ये मारुशे के बाबा ने सेट किए हुए हैं 3-4 कटोरियाँ। यहाँ कुछ पानी वाली है, कुछ दाने वाली हैं, इनको बाजरा वगैरह डालते हैं, तो फिर इनकी फ़ोटोज़ भी कैप्चर करते हैं। उनका कहना है कि परिंदों को उड़ते देखना, दाना डालना, डिप्रेशन कम होता है। तो मुझे भी कहते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखा करो, जब मैं भेजता हूँ तो देखा करो उसको। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं ताकि आपका भी डिप्रेशन कम हो सके। पता नहीं अब ये बात सच है कि नहीं, लेकिन उनका कहना है कि नेचर को देखने से डिप्रेशन कम होता है, और होता है। बस पता नहीं अभी सच है या नहीं है, लेकिन मुझे तो अपना डिप्रेशन कभी कम नहीं लगा इसको देख के। लेकिन ये अच्छे फ्लाई कर रहे हैं, देखिए वन बाय वन उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन यार एक बात है, हम लोग इतना लालच करते हैं, जमा पूंजियां कर लेते हैं या सेविंग करने की कोशिश करते हैं, बुरे वक्त के लिए बचा के रखते हैं। परिंदे हैं बेचारे, डेली खाते हैं और कोई जमा नहीं करते। कल का कोई पता नहीं होता, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर इन्हें अगले दिन खाना नहीं मिलता होगा तो क्या ये मर जाते होंगे। मुझे तो समझ अभी तक ये नहीं आई कि अगर इनको एक दिन खाना अगले दिन ना मिले, लेट्स सपोज बारिश है सारा दिन, या नहीं ये फ्लाई कर पाते हैं किसी भी वजह से, कोई खाने की चीज़ नहीं इनको मिलती, तो इनका क्या बनता होगा, ये मर जाते होंगे क्या। तो मैं तो और सैड हो गई हूँ ये सोच सोच के कि ये तो ज़रा भी ज़खीरा नहीं करते। हम लोग इतनी जमा चीज़ें कर लेते हैं, ये बल्कि ग्रोसरी देख लें हम महीने की पूरी इकट्ठी ले आते। सॉल्ट, अजवाइन, गरम मसाला, जिंजर डालो इसमें, जिंजर पाउडर रख दे नीचे, जिंजर पाउडर और रेड चिली पाउडर भी डालें, हाफ टी स्पून। यस, चले अब उसका लिड लगा दें। तो ये हम मूली को निचोड़ रहे हैं, इतनी जोर से सारा पानी निकालना है इसका।
तो ये हमारे उंगलियां निचुड़ गई हैं। अब ये तुम डालोगे। ये सारी पलट दो प्लेट इसमें। एक्सीडेंट हो गया। हाँ अब मिक्स करो। नहीं जल्दी जल्दी करो यार, उधर से पानी छोड़ देगा वो। मिक्स कर लो फटाफट फटाफट, हरी अप। हो गया? नहीं, थोड़ा सा और। चलो अब हैंड वॉश कर लें। ओके। गोल गोल घुमाएं इसको। इसको ज्यादा खुशका नहीं लगाना, थोड़ा खुशका लगाना है। हाँ एक साइड पे लगाना होता है ऐसे करके, और ऐसे, और फिर इसको ऐसे करना राउंड में। दूसरा पकड़े ऐसे, देखो इसी को राउंड करती जाओगी, और फिर हाथ की मदद से ऐसे करके आपने दोनों हाथों में ले लेना है, तो फिर ये ऐसे पेड़ा बन जाएगा। आज मारुशे बना रही है जी मूलियां वाला पराठा। मूलियां वाला नहीं, नहीं मूलियों वाला पराठा। मूलियां मिनट फोकस इधर करो, इधर फोकस करो। ये हमारी मूलियां जो है कटी हुई लग रही हैं किसके अंदर? पराठे के अंदर। तो ये हमारे एक्सपर्ट बना रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं आता, हम बिगनर हैं। या है ना मम्मी? है ना? अच्छा इस तरह से। Am I right? अब इसको हम पुश करेंगे, पुश, पर तोड़ना नहीं है। आजू 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 पुट इट। मैं तुम्हें पलट दूंगी एक बार, फिर तुमने क्या करना है इसको, फिर कोई तुमने लगा। हटिए 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 हटिए। कॉर्न्स एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आराम से पलट दो, ऐसे टूट जाएगी। ठहरो 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 ठहरो, इस तरह से आराम से ऐसे पलट लेंगे, ठीक है? अब इस पे ये वाला ऑयल लगाओ, ऐसे फैला के। अभी ये डालने तो दें। चलो चलो, अब जब मैं कहूंगी ना तब पलटनी है। अभी नहीं, अभी नहीं, मैं नीचे से लेके आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है। चलो आप मेरे से सुने, द रसूल सेड ही वेंट फॉर पलटो, प्यार से पलटना, सेंटर में ले जाओ तवा पहले। ए चिमटा टूट जाएगी टूट जाएगी टूट जाएगी। ठहरो ठहरो ठहरो, ऐसे अब ऐसे ऐसे कर लो। अबे तुम तोड़ दोगी। तोड़े ही हो ना। चलो ऐसे इसका जो ये है ना तव चिमटा, इसको पहले इस तरह से ले जा के ना सेंटर तक ले जाते हैं, फिर ऐसे पलट लेते हैं। मैं कहती हूँ हाँ रुको, अभी उधर से उसको हीट पड़ने दो। वेट 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 जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स। चलो अब इसको ऐसे ही पलटना है, फिर अब इसको इधर पलट सकती हो। चलो वन टू ऐसे ही इधर ले आओ, नहीं ऐसे छोड़ दो। गुड, चलो शाबाश, गुड गर्ल। तो डियर व्यूवर्स, इधर व्लॉग का करते हैं एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।